वैसे तो आज हम कोई मिठाई नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन इस मिठाई के अंदर जो स्टफिंग मैंने की है केवल उसके बारे में ही बातें करेंगे। तो जब भी मावा वाली कोई मिठाई बनानी होती है तो पहले से ही हम टेंशन में आ जाते हैं कि अरे मावा बनाने में अब 1 से 1.5 घंटे लगेंगे, तो इतनी मेहनत कौन करे। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, और हाँ कमेंट लिखना ना भूलें। तो 5 और सिर्फ 5 मिनट में ही एकदम रिच टेक्सचर वाला मावा तैयार करने के लिए हमें चाहिए 2 बड़ी चम्मच पीसी हुई चीनी। तो ध्यान रहे कि यहाँ मैंने पीसी हुई चीनी ली है, क्योंकि इससे मावा का टेक्सचर एकदम स्मूथ आएगा। और फिर इसमें जाएगा 1/2 कप दूध। तो यदि आप मेजरिंग स्केल से देखें तो 1/2 कप दूध मतलब 125 ml मिल्क। तो यहाँ पे मैं जो बेकिंग का कप आता है ना वही यूज़ कर रही हूँ। यदि आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी छोटी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच शुद्ध घी। तो जो स्पून से हम घर में दाल खाते हैं ना वही स्पून मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। और फ्लेवर के लिए डाल देंगे 2 छोटी इलायची, इसे भी कूट कर मैंने डाला है। और फिर 1/2 मिनट के लिए हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने ध्यान दिया होगा कि कढ़ाई को मैंने भी गैस पर चढ़ाया नहीं है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ मैंने 1 कप मिल्क पाउडर मतलब 250 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। और उसके बाद सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से गैस पर चढ़ाने से पहले ही मिक्स कर लेना है, ताकि यहीं पर यह एकदम स्मूथ हो जाए और कोई भी लम्स ना रहे। और उसके बाद इसे गैस पर फ्लेम को एकदम मीडियम करके चढ़ा देना है और लगातार चलाते रहें, और इसके साइड्स को भी क्लीन करते रहना है। अच्छा, यदि आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हैं और यदि इस तरह का स्पैचुला यूज़ करते हैं जो आगे से थोड़ा शार्प है, तो आप देखेंगे कि आपकी कढ़ाई एकदम नीट और क्लीन ही रहेगी। जनरली स्टील वाली कढ़ाई में मावा काफ़ी चिपकता है और उसे क्लीन करना एक ट्रिकी जॉब हो जाता है। तो जैसे ही आपको लगेगा कि 2 से 3 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम एकदम कम कर देंगे और उसे लगातार चलाते रहेंगे। और जब मावा आपका पैन को छोड़ने लगेगा, इकट्ठे होने लगेगा, इसका मतलब मावा तैयार हो चुका है। तो तुरंत गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसे हमें तुरंत एक बाउल में निकाल लेना है। और यह देखिए 4 से 5 मिनट के अंदर ही आपका मावा तैयार हो जाएगा। और यह देखिए बहुत ही रिच, सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर वाला हमारा मावा बिल्कुल तैयार है। आप इसे ठंडा करने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में 15 से 20 दिनों तक आराम से रख सकते हैं। और इसे यूज करके हम काफी तरह की मिठाइयाँ जैसे गुलाब जामुन, गाजर का हलवा में इसे डाल सकते हैं, या फिर कोई स्टफिंग वाली मिठाई बना सकते हैं। और यह मिठाई जल्दी आने वाली है इसी मावा को यूज करके। तब तक के लिए प्लीज रितुस कलेरी आर्ट्स को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।